हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि भिवंडी में जो जुलूस 12 रबीउल का जो जुलूस निकाला जाता था उसकी परमिशन जो है वो मिल गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि वो जो परमिशन मिली है भिवंडी के न्यू रजा एकेडमी को मिली है, ना कि भिवंडी से सालों से जो चले आ रहे रजा एकेडमी के शकील रजा को ये जुलूस का परमिशन ना मिलते हुए न्यू रजा एकेडमी को इस जुलूस का परमिशन दिया गया है। उसी से सिलसिले में आज भिवंडी शहर के जो न्यू रजा एकेडमी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा है मीडिया के माध्यम से, हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह आज 12वीं शब जो हम ईद मिलादुन्नबी की मना रहे हैं उसमें जो जुलूस का सिलसिला था, जुलूस के जो चीज़ें रखी गई थी, आज अल्लाह उसके रसूल के करम से पूरे भिवंडी वालों को ये इत्तला दी जाती है कि परमिशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भिवंडी वालों को मिल गया है डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस की जानिब से। दूसरा, जो न्यू रजा एकेडमी है, रजा एकेडमी की जो गाइडलाइन है 18 तारीख को 3 बजे जो हम कोटर गेट से जुलूस लेके रवाना होंगे, तो उसकी गाइडलाइन के लिए और आज की ये मुकद्दस रात के लिए सिलसिले में आप सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करती है रजा एकेडमी। और साथ ही साथ गाइडलाइन जो हम जारी कर रहे हैं उसको ले कर आप आगे बढ़े इस जुलूस में। पहली शरायत गाइडलाइन की ये है कि आप बावजू रहे, सरकार का मिलाद है, सरकार का जुलूस है, तो आप अपने तौर से सारी चीज़ों को एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन भिवंडी के जुलूस में शरीक हो, दरूद शरीफ पढ़ते रहे, झंडे जो है वो आप 10 फीट से ज़्यादा ना लाए, कोई भी गैर शरई तरीके से काम ना करे, डीजे ढोल ताशे पटाखे का काम ना करे। असर की नमाज़ इंशाल्लाह बाहर मदीना मस्जिद में अदा की जाएगी और मगरिब की नमाज़ बाजमात हम मामू भांजा ग्राउंड में अदा करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये कहूँ कि कोई भी किस्म का जो अपने मज़हब में इजाज़त नहीं देता वैसे नारेबाजी ना करे, किसी की दिल आज़ारी ना करे। साथ ही पूरी रजा एकेडमी जो इस चीज़ को लेके चल रही है पूरे भिवंडी वालों के साथ, आज ये खुशी के मौके पे हम सब दुआ गो है कि परवरदिगार आलम इस जुलूस को कामयाब बनाए, हमारी मेहनतों को कबूल करे, जिन जिन लोगों ने अपना ताउन किया उसे कबूल फरमाए। आप लोगों को एक और एक इत्तला दी जाए कि इस जुलूस में हमारे 2 कायदीन होंगे जिनकी सरपरस्ती में जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें हमारे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी के ग्रैंड सन मन्नानी मियाँ साहब किबला मौजूद होंगे, दूसरे जानशीन राजा बाग सवार सैयद जमील अहमद जानी मियाँ मौजूद होंगे। इन 2 सरपरस्तों के ज़ेर निगरानी ये जुलूस को निकाला जाएगा और इसे मुकम्मल किया जाएगा। हरीश भाई, ये जुलूस का टाइम कब से कब तक? जुलूस का टाइम 18 तारीख 3 बजे से कोटर गेट से शुरू होगा और 8 बजे से पहले इंशाल्लाह इसे मुकम्मल किया जाएगा मामू भांजे ग्राउंड में। अच्छा, आपको परमिशन किसके तरफ से मिली है? पुलिस की तरफ से मिली है क्या महानगरपालिका की तरफ से मिली, किसकी तरफ से? परमिशन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस की जानिब से मिली है, हमारे DCC साहब के जरिए से मिली है। हम पूरे डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस परमिशन को हमें दिया और वक्त से पहले दिया, उसके भी हम शुक्रगुजार रहे ताकि हम तैयारी को मुकम्मल कर सकें। परमिशन का लेटर दिया है कि खाली आपको? नहीं, ये हार्ड कॉपी दी गई है, हार्ड कॉपी को हम लोगों ने रिसीव किया है, उसके बाद आपके माध्यम से ये सारी भिवंडी वासियों को पैगाम दिया जा रहा है, ये इत्तला दी जा रही है। और एक चीज़ ये देखने में आती है कि जुलूस निकलेगा कोटर गेट से लेकर मामू भांजा तक जाएगा, रास्ते जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसके बारे में क्या आपको मतलब आश्वासन मिला, नगर पालिका ने उसके लिए क्या किया है? तो उन्होंने ही आगे वो रास्ते वैसे के वैसे ही है। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह काम कोटर गेट से लेके पंजारपट्टी नाके तक के रास्ते की मरम्मत जारी है, कुछ चीज़ें JCP वगैरह लगा के रोड को दुरुस्ती की गई है, आज कुछ फिलिंग का काम किया गया है और आज रात में इंशाल्लाह वो जो है डामर वगैरह भेज के वो रोड को पूरा मुकम्मल करेंगे, तो कल इंशाल्लाह कल तक के वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी। टोरेंट पावर की तरफ से क्या प्रिकॉशंस लिए गए, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि जब ऊंचे झंडे होते हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी प्रॉब्लम होता है, तो वायर अगर खुले हैं या दूसरी चीज़ें हैं तो उसका क्या इंतजाम है? देखिए, टोरेंट ऑफिस में पहले ही हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया था, उनका सर्वे भी हुआ है कोटर गेट से लेके मामू भांजा ग्राउंड तक के। उनका सेफ्टी मेजर यह है कि वो अपनी टीम को सारे पैनल्स के नियर बाय वो स्टैंड करेंगे और साथ ही साथ वो चीज़ का ध्यान रखा जाए कि कोई ऐसे हादसा ना हो जो पिछले साल हुए, और साथ ही साथ हमने गाइडेंस भी दी है कि सारे भिवंडी के जो आशिक रसूल है वो सभी लोग 10 फीट से कम का झंडा लाए और उस
शरई तरीके से जुलूस को मनाए और निकाले जिस तरीके से हम मनाते आए। तो 10 फीट का झंडा जो आप बोल रही है, इसकी तरफ से परमिशन दी गई है कि 10 फीट से कमी रहना चाहिए? ये रज़ा एकेडमी के जानिब से हम लोगों ने गाइडलाइन जारी की है सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखते हुए, और ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि भिवंडी के जितने भी आशिक रसूल है, जितने भी लोग इसमें शिरकत करते हैं, वो इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सरकार का एक ऐसा जुलूस है जो अमन का पैगाम देता है। ये पीस ऑफ वर्ल्ड डे के हिसाब से मनाया जाता है और इंशाल्लाह बड़ी शान और शौकत से इसे मनाया जाएगा। ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट होगा? जी इंशाल्लाह ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट रहेगा। एक आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ कि सफाई को लेकर हमेशा प्रॉब्लम होता है कि जब जुलूस ख़त्म हो जाता है तो रास्तों पर ऐसे बहुत सारे कचड़े और बहुत सारी गंदगी नज़र आती है, तो क्या उसके लिए भी कुछ इंतज़ाम है? नगर पालिका ने उसके लिए कोई इंतज़ाम किया है या आप लोगों ने कुछ किया उसके लिए? देखिए, इसके सिलसिले में एक मीटिंग हुई थी BMC कमिश्नर साहब के पास, तो उनके पास काफ़ी चीज़ें पॉइंट्स को रखा गया था। वहाँ पर ये भी चीज़ें हम लोगों ने रखी थी कि सफाई का खास ख्याल रखें, ताकि सफाई जो है वो ईमान का एक हिस्सा है और इंशाल्लाह उस चीज़ को भी मुकम्मल किया जाएगा। उनसे भी ये उम्मीद है, हम फिर आपके माध्यम से वापस से उनसे गुजारिश करेंगे कि सफाई का और ज़्यादा ख्याल रखा जाए और जिस तरीके से ये चीज़ें चले, एक बेहतरीन और एक अमन का अच्छा पैगाम दिया। आप एक अपील भी कर सकते हैं अपने आने वालों को, मतलब जो जुलूस में आएंगे, कि जुलूस जो है सफाई का ख्याल रखे, जो अपने कचरे जो है रस्ते पर ना गिरे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये अपील भी आप कर सकते हैं। देखिए, आपके माध्यम से जहाँ तक भी ये न्यूज़ पहुँचे, हम सारे आशिक रसूल हैं, हम सब जानते हैं सफाई के लिए दीन में कितनी ताकीद की गई है, तो मैं सारे लोगों से, हम रज़ा एकेडमी पूरी सारे लोगों से ये मुद्दबाना गुजारिश करेगी कि आप इस जुलूस में सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। आपके एरिया में जो भी आप स्टॉल लगाते हैं, सरकार के नाम पे ताउन करते हैं, तो सफाई आपकी भी जिम्मेदारी है, उसे आप भी साथों साथ सफाई का ध्यान रखते हुए जुलूस को मुकम्मल करें। एक लाइन और बोलने का उसका, ये जो आपको परमिशन मिला है, तो इसको परमिशन को मिलने तक के आपको किन किन लोगों ने जो आपको मदद की? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस परमिशन के लिए काफ़ी लोगों ने जद्दोजहद की है, काफ़ी लोगों ने दुआएं की है। पूरी रज़ा एकेडमी वो सभी लोगों के शुक्रगुजार है और सभी लोग जिन्होंने इस पर ताउन किया, हम सब का खैर मकदम करते हैं और सबके शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसमें साथ दिया। काफ़ी बुज़ुर्गों की, माओं की दुआएं शामिल है इसमें। अल्लाह उसके रसूल का करम है कि ये मौका हमें मिला और इसकी कामयाबी हम अल्लाह का शुक्र अदा करके पूरा करते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।